मेंढक राजकुमार। एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। बड़े लाड प्यार से वो बड़ी हुई थी। उसके पास सोने का ड्रेस था, सोने का मुकुट भी था, सोने की थाली और सोने का बिस्तर भी था। उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी सोने का बॉल। वो उस बॉल के साथ बगीचे में घंटों तक खेलती रहती थी। लेकिन एक दिन वह बॉल बहुत दूर गया, बगीचे के बाहर जंगल में एक कुएं में जाके गिर गया। राजकुमारी रोने लगी। वो भागते भागते उस बॉल के पीछे गई। उसने देखा वो कुआं बहुत गहरा था। वो कुछ नहीं कर सकी। मैं नीचे कुएं में जा सकता हूँ और तुम्हारे लिए बॉल लेकर आ सकता हूँ। उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय एक छोटे हरे रंग के मेंढक के अलावा, जो कुएं के ऊपर बैठा था। लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मेंढक ने पूछा। कुछ भी, राजकुमारी बोली। ड्रेस दूंगी, गहने दूंगी, मोती दूंगी, लेकिन मेंढक तो इसमें से कुछ भी नहीं पहनता, इसलिए उसने इसके बदले में दूसरा कुछ मांगा। मेंढक बोला, मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ सोने की थाली में खाना है और सोने के बिस्तर पर सोना है। राजकुमारी ने उसकी ये बात मान ली क्योंकि उसको वो बॉल वापस चाहिए था। फिर मेंढक ने अपने पैर फैलाकर जोर से कुएं में कूद गया और वो सोने का बॉल अपने छोटे हाथों में ले आया। राजकुमारी को बहुत आनंद हुआ। वो जोर जोर से कूदने उछलने लगी। उसने मेंढक के हाथ से बॉल लिया और भाग गई। उसने मेंढक को दिया हुआ वचन वो भूल गई। रात में राजकुमारी खाने के टेबल पर अपने पिताजी और बहन के साथ बैठी हुई थी। वो खाना शुरू ही करने वाली थी, इतने में उन्होंने तीन बार दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। मैं हूँ प्रिय राजकुमारी, ऐसी कुछ अजीब जानी पहचानी आवाज उसने सुनी। जैसे तुमने मुझे वचन दिया था, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। राजा ने उसकी बात सुनी। राजा वचन निभाने में बहुत विश्वास करता था। राजकुमारी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मेंढक उछल के अंदर आया। वो बिल्कुल राजकुमारी के बाजू में बैठ गया और उसके साथ उसके ही सोने के थाली में खाना खाया। जैसे राजकुमारी ने वचन किया था, बिल्कुल वैसे ही। जैसे ही रात हो गई, मेंढक राजकुमारी के सोने के बिस्तर पर सोना चाहता था, लेकिन राजकुमारी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतना गंदा घिलौना मेंढक राजकुमारी के बिस्तर पर, वो गुस्से से बोली और उसने मेंढक को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। मेंढक गायब हुआ। राजकुमारी ने उसकी आंखें मलकर वापस देखा तो एक बहुत सुंदर और खूबसूरत राजकुमार बैठा था। मुझे किसी चुड़ैल ने श्राप दिया था बहुत साल पहले, लेकिन तुमने इस श्राप को तोड़ दिया। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्होंने शादी कर ली और राजकुमार के महल में दोनों रहने लगे। राजकुमारी के पास अभी भी वो सोने का बॉल था। अभी उनके बच्चे उस बॉल के साथ खेलते थे। वो बड़े प्यार से रहने लगे। उन्होंने राजा को धन्यवाद किया क्योंकि राजा ने ही उनको वचन निभाने की सलाह दी थी। छोटी जलपरी। एक शांत दिन नीले नीले समुद्र के अंदर एक छोटी जलपरी रहती थी। उस दिन सुबह वो चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर उठी। उसका 15वां जन्मदिन था।
आज वो पहली बार बाहर तैरने के लिए आई। वो जल्द ही बाहर आई और हवा में उसने लंबी सांस ले ली। उसने सूरज देखा, नाव देखी और सुंदर इंसान भी देखा। लेकिन अचानक जोर से समुद्र की लहरें लंबी होने लगी और नाव को जाके इतला दी। ओहो! जलपरी चिल्लाई क्योंकि वो उस नाव की तरफ तैरते जा रही थी जिसमें वो सुंदर इंसान बैठा हुआ था। उसने उसको किनारे पर घसीटा और जल्द ही समुद्र में गई। लेकिन उसको किनारे पर रहने की बहुत इच्छा थी क्योंकि वो उस इंसान से प्यार करने लगी थी। वो उसके बारे में सोचने लगी। उसे वो दोबारा मिलना चाहती थी, इसलिए दूसरे दिन वो समुंदर के डायन के दरवाजे के पास गई। क्या आप मुझे पैर दे सकते हो? उसने डायन को पूछा। डायन ने उसे कुछ पीने के लिए दिया। डायन ने कहा, तुम मुझे तुम्हारी आवाज दे दो और तुम्हारा जलपरी का आत्मा भी दे दो, लेकिन चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हें एक इंसान मिल जाएगा जिससे तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा साथी तुम्हें मिल जाएगा। ये सब सुनने में बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन जलपरी को कोई चिंता नहीं थी। उसने वो घुला हुआ पानी पी लिया जो डायन ने उसे दिया हुआ था और दूसरे दिन सुबह वो दो पैरों के साथ जमीन पर से ही उठ गई। वो धीरे धीरे चलना सीख गई और नाचना भी सीख गई। उस इंसान ने उसका नाच देखा और सीधा उसके पास आ गया। उन दोनों ने मिलकर नाच किया। नाचते समय उसने जलपरी को बताया कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है जिसने उसकी जान बचाई थी। जलपरी चिल्लाकर बोलना चाहती थी कि जिसने उसकी जान बचाई वो लड़की वो खुद जलपरी ही है, लेकिन वो बेचारी बोल नहीं सकती थी। उसने उस सुंदर इंसान को, उसकी आत्मा को खो दिया था। वो समुंदर के किनारे बैठकर रोती रही। फिर वहाँ एक समुद्री घोंगा तैरते हुए वहाँ पर आई और उसको बोली, अभी भी वक्त है, उस इंसान को मार दो और तुम्हारी आत्मा वापस ले लो, उसने धीरे से कहा। लेकिन जलपरी को मालूम था कि वो किसी को मार नहीं सकती है। तुम्हारा दिल टूट गया है लेकिन अभी भी अच्छा हो सकता है, ऐसा बोलकर घोंघा निकल गई। तुम चाहो तो हवा की बेटी बन सकती हो। जलपरी इस बात पर सोचती रही और आकाश में उड़ गई। वहाँ से वो उस इंसान को देखती रही जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसने उसको हमेशा सुरक्षित रखा और उसी की वजह से वो हमेशा हंसते मुस्कुराती रही। जंगल और शक्तिमान लकड़हारा। एक शक्तिशाली लकड़हारा था जिसके पास एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। वह पूरे जंगल को इस ओर से लेकर उस ओर तक काटता था। उसके कदमों की आहट सुनते ही झाड़ पेड़ घबराते थे। जो भी शाख हो, जितनी भी बड़ी पेड़ हो, लकड़हारा के वार का सामना नहीं कर सकती थी। एक दिन पेड़ों की शान पेड़ रानी को काटने ही वाला था, कुल्हाड़ी का अक्ष टूट गया था। उसने कुल्हाड़ी की अक्ष बनाने वाले को ढूंढा, लेकिन इतनी बड़ी अक्ष को बनाने वाला कोई नहीं मिला। बिना कुल्हाड़ी के वह पेड़ नहीं काट सकता था। पेड़ बेहद खुश थे और लंबे घने बढ़ने लगे। लकड़हारा दिन ब दिन गरीब होता गया। बिना पेड़ काटे उसका गुजारा नहीं होता था। एक दिन निराश लकड़हारा
पेड़ों की रानी के पास गया और अक्ष को बनाने के लिए एक शाख काटने की विनती की। उसने वादा किया कि अगर उसे एक शाख मिल जाए तो वह जंगल के किसी भी पेड़ को नहीं काटेगा। पेड़ रानी ने कहा कि कहीं और चले जाए अगर पेड़ या शाख काटना हो तो, इन पेड़ों को सूरज की कांति में शांति से बढ़ने दे। पर उसने कुठराग्र यानी कुल्हाड़ी के नोक और खुद की कसम दी थी। भोली भाली पेड़ रानी ने शाख देने को मान लिया और उसको अपना एक शाख दे दिया। लकड़हारा ने उस शाख से अपने कुल्हाड़ी का अक्ष बना लिया। जब कुल्हाड़ी का अक्ष बन गया और पेड़ काटने लायक हो गया तो वह लकड़हारा पेड़ रानी को काटना शुरू किया। पेड़ रानी नुकसान और दर्द के मारे जोर से चिल्लाई और कहा कि तुमने वचन दिया था कि पेड़ नहीं काटोगे। वह हंस पड़ा और कहा, मैं लकड़हारा और तुम एक पेड़, यही सच है। पेड़ रानी के साथ साथ पूरे जंगल को काट डाला। तब से सब पेड़ पौधे डर की छांव में पल रहे थे। एक लड़की थी जो ताजे बर्फ से भी बहुत सुंदर थी। उसका नाम स्नो व्हाइट था। उसके पिता राजा थे और माँ रानी थी। लेकिन जब स्नो बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई। उसके पिता ने दूसरी शादी की। वो रानी बहुत सुंदर लेकिन ईर्ष्यालु थी। रोज सुबह उठने के बाद वो जादुई आईने को पूछती थी, सबसे सुंदर कौन है। रोज वो जादुई आईना बोलता था कि रानी सबसे सुंदर है। लेकिन एक दिन सुबह वो बोला, स्नो व्हाइट सबसे सुंदर है। गुस्सा और ईर्ष्या से रानी ने शिकारी को कहा कि स्नो व्हाइट को वो जंगल में ले जाए और वहीं पर उसे मार दे। लेकिन शिकारी स्नो व्हाइट को मार नहीं सका। वो उसको जंगल में छोड़ाया। वहाँ जंगल में एक छोटी झोपड़ी में सात छोटे रहते थे। उन्होंने स्नो व्हाइट को रोते हुए देखा और उसको उनके घर लेकर आए। स्नो ने उनके लिए खाना बनाया और पूरा साफ भी किया। लेकिन रानी ने वापस जादुई आईने को पूछा तब भी उसको वही जवाब मिला कि स्नो व्हाइट ज्यादा सुंदर है और वो जिंदा है। फिर वो रानी ने खुद को एक पुराने फेरी वाले में रूपांतरित किया और उन सात छोटों के घर में गई। वहाँ पर उसने स्नो व्हाइट को जहरी वाली कंघी बेच दी। लेकिन वो सात छोटे वहाँ पर आए और उन्होंने स्नो व्हाइट को बचाया। दूसरी बार रानी ने खुद को किसान की बीवी में रूपांतरित किया और उसने स्नो व्हाइट को जहरीला लाल सेब दे दिया। उसने वो सेब खाया और उसको सांस लेने में तकलीफ हुई। वो नीचे गिर गई। सात छोटे वहाँ पर आए लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। स्नो व्हाइट मर गई थी। फिर उन्होंने स्नो को एक कांच वाले शव पेटी में रखा ताकि सब लोग उसकी सुंदरता देख सके। वक्त बीत गया। कुछ दिनों के बाद एक राजकुमार आया। उसने वो शव पेटी में स्नो व्हाइट को देखा। उसने वो पेटी में हाथ डाला। वो पेटी टूट गई। उसकी वजह से स्नो व्हाइट के गले से वो जहरीला सेब का टुकड़ा गिर गया। अचानक वो जिंदा हो गई। फिर उसने और राजकुमार ने शादी की। स्नो व्हाइट के सौतेली माँ को पता चला कि कोई उससे सुंदर रानी है। वो उसे देखने गई तो स्नो व्हाइट ने उसको पहचाना। उस दुष्ट रानी को भिनंगा शिक्षिंचिंदी चमकीले गर्म लोहे के जूते पहनाकर रात भर नाचने के लिए बोला गया। जब तक वो मर नहीं जाती तब तक। और वो नाचते नाचते मर गई।
फिर स्नो व्हाइट बड़े प्यार और आनंद से रहने लगी। रैपंज़ेल। एक बार एक दूर के देश में एक आदमी और उसकी पत्नी रहती थी। बहुत साल से उन्हें बच्चा चाहिए था और अब उनका इंतजार खत्म हो गया था क्योंकि उसकी पत्नी अभी माँ बनने वाली थी। वो दोनों मिलकर बच्चे के आने की तैयारी में लगे रहे। बच्चे के पिता ने लकड़ी के खिलौने लाए, माँ ने बच्चे के लिए कपड़े सिलाए और उन्होंने बच्चे का कमरा एकदम रंग बिरंगी बना दिया। एक दिन पत्नी ने रैपंज़ेल के पौधे को देखा जो घर के बाजू वाले बगीचे में था। उसे वो पौधा चाहिए था। उसका पति उसे बहुत प्यार करता था। वो उसे हमेशा हंसता हुआ देखना चाहता था, इसलिए वो बगीचे में जाने के लिए एक ऊंची दीवार पर चढ़ गया और कुछ रैपंज़ेल के पौधे वहाँ से लेकर आ गया। वो पौधे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। उसने वो सारे पौधे खा लिए। पत्नी को ये पसंद था, इसलिए उसका पति रोज रोज उस बगीचे से रैपंज़ेल के पौधे ला रहा था। बिना किसी को पूछ के वो रोज ऐसे ही करता रहा, लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया। उसने पौधे चुराए, इसलिए वहाँ की जादूगरनी बहुत क्रोधित हो गई। पति ने उस जादूगरनी को बहुत विनती की कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानी। उसने पति के सामने एक शर्त रखी, वो उसे छोड़ेगी, लेकिन अगर वो उसका होने वाला बच्चा जादूगरनी के हवाले करेगा। अर्थात वो ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास दूसरा चारा भी नहीं था। कुछ दिनों बाद उन्हें एक प्यारी सी छोटी बेटी हुई, लेकिन इस प्यारी बेटी को वो जादूगरनी ले गई। जादूगरनी ने उसका नाम रैपंज़ेल रखा। रैपंज़ेल बड़ी हो रही थी। वो बहुत सुंदर थी, नीली नीली आंखें, सुनहरे लंबे बाल। जादूगरनी को उसे देखकर बहुत जलन हो रही थी, इसलिए जादूगरनी ने उसे एक ऊंची जगह पर रखा जहाँ ना दरवाजे थे ना सीढ़ियाँ थी। वहाँ पर बस एक छोटी सी खिड़की थी। हर दिन ये जादूगरनी वहाँ पर आती थी तो वो रैपंज़ेल को बोलती थी कि वो उसके लंबे बाल खिड़की से नीचे छोड़े ताकि जादूगरनी वो बाल पकड़कर ऊपर आए, और ये रैपंज़ेल रोज वैसा ही करती थी। एक दिन गर्मी के मौसम में एक राजकुमार उस ऊंची जगह से गुजर रहा था। उसने एक गाना सुना। वो इधर उधर देखने लगा कि इतनी सुंदर आवाज किसकी है, ये लड़की कौन है और ये कहाँ है। राजकुमार को ये आवाज बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो दूसरे दिन भी वहाँ पर आया, तीसरे दिन भी आया और रोज आता रहा। एक दिन उसने जादूगरनी को और ये सुनहरे लंबे बाल को देख लिया। उस दिन शाम के वक्त राजकुमार उसी जगह पर आया और उसने रैपंज़ेल को बुलाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जादूगरनी बुलाती थी। राजकुमार ऊपर आ गया। उसने सुंदर रैपंज़ेल को देखा और उसे पूछा, क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी। रैपंज़ेल जादूगरनी से बहुत डरती थी। उसने राजकुमार को कहा कि वो यहाँ से चला जाए। राजकुमार चला गया। दूसरे दिन शाम को वो वापस आ गया और रोज शाम को आता रहा। जादूगरनी को ये सब बात मालूम नहीं थी। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन सच उसके सामने आ गया। उसको ये सब बात पता चल गई। उसने रैपंज़ेल के बाल काट दिए और उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर रखा। दूसरे दिन शाम में राजकुमार रैपंज़ेल के पास गया, लेकिन वहाँ पर
रैपंजिल के बदले जादूगरनी थी। जादूगरनी बहुत क्रोधित थी। उसने राजकुमार को कहा, तुम रैपंजिल को कभी नहीं देखोगे। राजकुमार रैपंजिल को ढूंढना चाहता था, वो उसे देखना चाहता था, इसलिए उसने खिड़की से छलांग मारी। लेकिन ऐसा करने से वो बेचारा अंधा बन गया। उसकी आंखें चली गई क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से गिरा था। वो वैसे ही उठा और अपनी राजकुमारी को ढूंढने निकला। उसने रैपंजिल को हर जगह ढूंढा। वो अंधा ही अकेला बेचारा घूमता रहा कई महीने कई साल तक। एक दिन उसने गाना सुना, वही गाना जो उसने पहले भी रैपंजिल से सुना था। फिर राजकुमार और रैपंजिल की शादी हो गई। उन्हें दो छोटे छोटे बच्चे भी हुए और सब बड़े प्यार से खुशी से रहने लगे।